हाय दोस्तों, वेलकम टू द नॉलेज 100। दोस्तों आज आपके लिए मैं और एक वीडियो लेके आ गया हूँ। आज के वीडियो में दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों जो एक कंप्यूटर सर्टिफिकेशन है दोस्तों, डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी का दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन दोस्तों, तो पूरा डिटेल्स बताऊँगा दोस्तों। और ये सर्टिफिकेशन कोई भी कर सकता है। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग प्राइवेट कंपनी जॉब करना चाहते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर का, तो ये सर्टिफिकेशन करके आप लोग बहुत ही फ़ायदा उठा सकते हैं। तो पूरा डिटेल्स बताऊँगा, साथ ही सर्टिफिकेशन लाइव करके दिखाऊंगा। तो एक रिक्वेस्ट है चैनल पे, अगर आप लोग पहली बार आए दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों और बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो दोस्तों आप लोग को इस साइट पे आ जाना होगा, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को दे दूंगा दोस्तों। वहाँ से आप लोग डायरेक्ट इस पेज पर आ जाइएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन क्विज ऑन डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। ये सर्टिफिकेशन कोर्स डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पुणे विद्यार्थी कॉलेज की तरफ से दोस्तों ये प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग कैसे ये सर्टिफिकेशन प्राप्त कीजिएगा दोस्तों, तो पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को सर्टिफिकेशन के लिए कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करना होगा। क्या क्या फिल करना होगा, जैसे कि दोस्तों आपका ईमेल आईडी है जो दोस्तों, वो ईमेल आईडी यहाँ पे आपको फिल करना है सर्टिफिकेशन के लिए, ई सर्टिफिकेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका फुल नेम फिल करना है, जो आपका टेंथ का सर्टिफिकेशन में है दोस्तों, वही नेम यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका कॉलेज का नेम भी यहाँ पे आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों अपना कॉलेज का नेम फिल कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग को नीचे तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पे दोस्तों एक मोबाइल नंबर आपको फिल करना है, जिसमें कोई ओटीपी नहीं जाएगा दोस्तों। कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पे 10 डिजिट का आप लोग एंटर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी का दोस्तों रिलेटेड, जिसमें आपको 40% लाना होगा, तभी आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका रहेगा एमसीक्यू टाइप 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ये सेम रहता है हर एक बार दोस्तों। आप लोग एक बार अटेंड कर सकते हैं इस क्विज को दोस्तों, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेशन कैसे आप लोग प्राप्त कीजिएगा दोस्तों, तो मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन सेम रहता है, तो इसीलिए मैं पूरा क्वेश्चन ही आप लोग को सॉल्व कर दूंगा दोस्तों। आप लोग को क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर स्क्रीनशॉट कर लेना है, या तो दोस्तों मैं बताता रहूँगा A1 नंबर क्वेश्चन के आंसर ABCD में, वो आपको नोट डाउन कर लेना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं पूरा क्वेश्चन आप लोग को पहले सॉल्व कर लेता हूँ, उसका बाद दोस्तों आप लोग को बताता हूँ, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हूँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, स्क्रीनशॉट करते रहना है दोस्तों, और क्वेश्चन के आंसर नोट डाउन कर सकते हैं, मैं बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों यहाँ पे ए हो जाएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन का अगर बात किया जाए दोस्तों, थर्ड नंबर का बी हो जाएगा, फोर्थ का ए हो जाएगा दोस्तों, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का अगर बात किया जाए दोस्तों, फिफ्थ का सी हो जाएगा, सिक्स नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों यहां पे आपका डी हो जाएगा, सेवन नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों यहां पे आपका डी हो जाएगा, एट नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों यहां पे भी डी हो जाएगा, नाइन नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों यहां पे डी हो जाएगा, टेन नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों यहां पे आपका सी हो जाएगा, इलेवन नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों यहां पे आपका सी हो जाएगा नाइन्थ, ठीक है। अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे, ताकि ऐसे ही आपको वीडियो रोजाना अपडेट मिलते रहे। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा बी, 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएगा, 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगा, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों यहाँ पे ए हो जाएगा, 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगा, 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों यहां पे सी हो जाएगा, 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों यहां पे सी हो जाएगा, 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों यहां पे आपका डी हो जाएगा, और जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20 नंबर 20 का सी हो जाएगा। तो कुछ इस तरह आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आपको दिखने में मिल जाएगा, इस सबमिट का ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। सबमिट के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का आपको ऑप्शन दिखने में मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लिखा रहेगा थैंक यू फॉर योर सबमिशन, इफ़ यू पास विल रिसीव ए प्रिंटेबल सर्टिफिकेट शॉर्टली, अगर आप पास करते हैं तो आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा।
तो यहाँ पे दोस्तों आप अपना वी स्कोर में क्लिक करके आप अपना स्कोर देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं अगर 40% आपको मिलता है दोस्तों यहाँ पे टोटल पॉइंट में, तो आपको सर्टिफिकेशन मेल आईडी में मिल जाएगा। कैसे आप लोग डाउनलोड कीजिएगा, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए पहले नीचे तरफ स्क्रॉल कीजिएगा तो पूरा जो जो क्वेश्चन आपका राइट है रॉन्ग यहाँ पे दिखने में मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ नीचे तरफ स्क्रॉल करके पूरा क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, सर्टिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप लोग जो बेसिक डिटेल्स में ईमेल आईडी फिल किए थे दोस्तों उसी ईमेल आईडी पे आपको आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मैं अपना मेल आईडी पे आ गया हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं योर सर्टिफिकेट इज हियर ऑनलाइन क्विज डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, कुछ इस तरह आपका एक मेल आएगा। मेल में आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपका नेम लिखा रहेगा दोस्तों, साथ ही आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट आईडी नंबर दिखने में मिल जाएगा, साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको पीडीएफ फॉर्म में सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। तो सर्टिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों सर्टिफिकेशन कुछ इस तरह आपको देखने में मिलेगा, चलिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सर्टिफिकेशन कुछ इस तरह आपको देखने में मिलेगा, ठीक है। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नासिक का तरफ से दोस्तों ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों चेयरमैन का, प्रिंसिपल का और वाइस प्रिंसिपल का सिग्नेचर भी है दोस्तों। तो ये आप डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी मतलब कंप्यूटर सर्टिफिकेशन में यूज कर सकते हैं, अपने रिज्यूम में भी ऐड कर सकते हैं फर्दर प्राइवेट जॉब के लिए। तो जरूरी सर्टिफिकेशन को गेन कीजिए दोस्तों। साथ ही आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप लोग के घर में कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि आपका चलते हुए सर्टिफिकेशन ये कर सके दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, टाटा।